हेलो एवरीवन, आज की रेसिपी है सिंधी स्पेशल आलू टुक। ये आलू टुक झटपट बन जाता है, खाने में लाजवाब होता है, अंदर से सॉफ्ट होता है, ऊपर से क्रंची होता है, ये क्रीमी क्रीमी देखने में जितना प्यारा लग रहा है, खाने में भी बहुत लाजवाब होता है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसको बनाने के लिए मीडियम साइज़ का 5 पीस आलू ले लिए हैं। आप जितने आलू का बनाना चाहें उतना आलू ले लीजिए, कोशिश करिए कि मीडियम साइज़ का ही लें, ज़्यादा छोटा नहीं लीजिएगा। अगर सभी आलू मीडियम साइज़ का नहीं है तो थोड़ा सा छोटा बड़ा ले सकते हैं, चाकू से या छिलनी से आलू को छील लीजिए। ये झटपट छिल के रेडी हो जाता है। अगर थोड़ा देर में आलू को काटना है तो आलू को छिलते जाइए और पानी में डालते जाइए, जिससे कि आलू काला ना पड़े। इस तरह से बातों बातों में आलू छिल के रेडी हो गया है। सभी आलू को इसी तरह छिल के हम रख लेंगे। सिंधी लोग शादी ब्याह पार्टी में आलू टुक ज़रूर बनाते हैं। सभी आलू को इसी तरह से छील के रेडी कर लिए हैं। अब इसको काटेंगे, चाहे चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, चाहे चौका ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए। इस तरह से रख के चाकू से काट लीजिए। ज़्यादा बड़ा आलू है तो 3 पीस 4 पीस कर लीजिए। इस तरह से मोटा मोटा आलू काटेंगे तो बहुत टेस्टी आलू पीस, क्रिस्पी, करारा, सॉफ्ट बनके तैयार होगा। तो देखिए, इस तरह से हम सभी आलू को काट के रेडी कर लेंगे। बहुत पतला आलू के पीस को नहीं काटना है, इस तरह से मोटा मोटा ही सभी आलू को काट के रेडी कर लेना है। सभी आलू को काट लिए हैं, देखिए इसका पीस कितना मोटा है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है। जितना मोटा हमें चाह रहा है तो उतना परफेक्ट है। 3-4 पानी अच्छे से हम आलू को धो लेंगे, जिससे कि इसमें कोई स्टार्च ना रह जाए। अच्छे से धोने के बाद स्टेनर में रख लिए हैं, जिससे कि इसका पानी निकल जाए। कोई काटन का कपड़ा ले लेंगे, अच्छे से पानी को सुखा लेंगे। जब आलू में पानी बिल्कुल नहीं रहेगा, अच्छे से सूख जाएगा, तो जब हम फ्राई करेंगे तो आलू अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देते हैं। थोड़ा सा बड़ा ही कढ़ाई लिए हैं। अब इसमें आयल डाल देंगे, आयल को गर्म होने देंगे। अभी गैस का फ्लेम हाई किए थे, जब अच्छे से गर्म हो गया तो गैस का फ्लेम लो कर दिए। लो फ्लेम पर ही सभी आलू के पीस को डालेंगे, एक एक पीस उठाते जाएंगे, डालते जाएंगे। इसको हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही इसे हम फ्राई करेंगे, तो अंदर से कच्चा नहीं रहेगा और अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएगा और गल जाएगा। अगर आलू कच्चा रह जाएगा तो जब इसे हम दबाएंगे तो ये टूटने लगेगा। इसीलिए एक साथ सभी आलू को डाल दिए हैं और गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा कर दिए हैं, धीमी आंच पे अच्छे से ये फ्राई हो जाएगा। आलू को जब एक तरफ फ्राई होते हुए 3-4 मिनट हो गया, तब इसको हम दूसरी तरफ भी पलट लिए और दूसरी तरफ भी 2-3 मिनट तक फ्राई कर लिए। इसी तरह अलट पलट कर धीमी आंच पे ही इसे हमें फ्राई करना है, जिससे कि अंदर से कच्चा ना रह जाए और अच्छे से ये फ्राई हो जाए। ये आलू फ्राई होने में कम से कम 8-9 मिनट का समय लेता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है। तो इस तरह देखिए, धीमे धीमे अच्छे से ये फ्राई हो रहा है। इसको बहुत डार्क कलर का नहीं फ्राई करना है, सिर्फ हल्की सी एक कोटिंग आ जाती है, इतनी देर तक ही इसे फ्राई करना है। आलू को फ्राई होते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं, 2-3 मिनट तक इसे हम और फ्राई कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, जिससे कि आलू नमकीन हो जाए, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक हम बाद में भी डालेंगे, इसलिए अभी नमक नहीं डाल रहे हैं। और दोबारा भी फ्राई करते हुए 2-3 मिनट हो गया है, पूरा 8-9 मिनट का समय लिया है। अब इसको हम देख लेते हैं कि ज़्यादा कच्चा है या गल गया है। इस तरह चाकू या फॉग ले लीजिए, देख लीजिए कि अच्छे से ये गल गया है। जब फॉग की सहायता से हम इसको देख लेते हैं, आलू बिल्कुल कच्चा नहीं है। अब इसे हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा आयल होगा वो छन जाएगा। तो इस तरह से बगैर झंझट बगैर मेहनत का एक बार तो ये आलू फ्राई होके रेडी हो गया है। इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे
और ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू ठंडा हो जाएगा अच्छे से, तब इसे हम प्रेस करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, अच्छे से प्रेस हो जाएगा। अगर गरम आलू में ही इसे हम कटोरी से या हाथ से दबाएंगे तो ये टूटने फूटने लगेगा। कम से कम एक घंटे के लिए आलू को ठंडा होने के लिए रख देंगे। आलू को रखे हुए एक घंटा हो गया है, ये ठंडा हो गया है। अब चॉपिंग बोर्ड ले लीजिए, चाहे चौका ले लीजिए, एक कटोरी ले लीजिए। चॉपिंग बोर्ड पे हम आलू का एक पीस रखें और कटोरी से इस तरह से देखिए दबा रहे हैं तो ये दब रहा है और टिक्की के आकार का बन जा रहा है, चिपटा हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा चिपटा नहीं करना है, इस तरह से दो तीन बार में इसको हम दबा दबा के चिपटा कर लेंगे। आप चाहें तो दो तीन पीस एक साथ रख के भी दबा सकते हैं। हाथ से दबाएंगे तो गर्म रहेगा तो हाथ जलने का डर रहेगा, हल्का गर्म भी रहेगा। अगर हम कटोरी से प्रेस करेंगे दबाएंगे तो बिल्कुल जलने का चांस नहीं रहेगा और फिनिशिंग भी आएगी। तो देखिए अच्छे से ये सभी आलू को हम दबा दबा के कटोरी से रख लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ, जिस आयल में हम पहले बैच का फ्राई किए थे आलू, उसी आयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिए हैं। गैस का फ्लेम हाई कर दिए हैं, हाई फ्लेम पर ही एक एक पीस को उठाते जाएंगे और आलू को डालते जाएंगे। इस बार हम दो बैच में फ्राई करेंगे क्योंकि टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं। पहली बार कच्चे थे आलू, इसलिए सभी आलू को एक साथ डाल के फ्राई कर लिए थे, इस बार दो बैच में फ्राई करेंगे। तो देख लीजिए कितने अच्छे से ये हाई फ्लेम पर फ्राई हो रहा है। एक तरफ फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गया है, अब इसे पलट लेते हैं और दूसरी तरफ भी 3-4 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसी तरह अलट पलट कर आलू को गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका कलर जब तक सुनहरा नहीं हो जाएगा तब तक आलू को हम अलट पलट कर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगा, गैस का फ्लेम हाई है। एक बार ये फ्राई हो चुका है इसलिए दोबारा फ्राई कर रहे हैं तो ये अच्छे से कम समय में फ्राई हो जाएगा। देखिए आलू का कलर चेंज हो गया है, ये गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे, दोनों तरफ इसे हम पलट के दिखा दे रहे हैं कि दोनों तरफ कितना प्यारा कलर आया है। अब इससे ज़्यादा इसको नहीं फ्राई करना है। अब स्ट्रेनर में हम इसे निकाल लेते हैं, चाहे पौनी से निकाल लीजिए चाहे पलटनी से निकाल लीजिए। स्ट्रेनर में निकालने से इसका एक्स्ट्रा आयल छन जाता है, कढ़ाई में चला जाता है। इसे प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरह दूसरे बैच का भी आलू हम फ्राई करके रेडी कर लेंगे। ये आलू टुक अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, ऊपर से बहुत क्रंची होता है। दूसरे बैच का भी देखिए आलू टुक इस तरह से फ्राई हो चला है, 2 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा अच्छे से। और इसे भी निकाल लेते हैं, गोल्डन कलर का दूसरा बैच भी हो गया है, देखने में बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत समय नहीं लेता है, बच्चे तो पसंद करते ही हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि आलू का इस तरह से डिश तो आप कई तरह बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से आप सिंधी डिश बनाएंगे तो खाने में बहुत लाजवाब होगा, आपका मन नहीं भरेगा, पेट तो भर जाएगा। अब हरी मिर्ची लिए हैं, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इस तरह से स्टेनर में रख लिए, आयल में डाल दिए और अच्छे से 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा। मिर्ची फ्राई हो गया है, गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं, हाई नहीं करेंगे, नहीं मिर्ची छटकने लगेगा। मिर्ची को भी निकाल लिए हैं, अब इसका कुछ मसाला बना लेंगे जिससे कि ये चटपटा सा बनके तैयार होगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेंगे क्योंकि नमक हम आलू को फ्राई करते समय भी डाले हैं। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, हल्दी पाउडर बहुत थोड़ा सा ही लेना है। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर लेंगे, लाल मिर्ची पाउडर तीखी वाली 1/4 चम्मच लेंगे। जीरा को भून के काली मिर्च के साथ कूट लिए हैं, 1/4 चम्मच इसे भी मिला देंगे। अमचूर पाउडर 1/4 चम्मच लेंगे, इससे बहुत टेस्टी होता है। आप चाहें तो चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब चलते हैं गैस की तरफ इसमें तड़का लगाने के लिए। एक पैन गरम होने के लिए रख दिए गैस पर, गैस का फ्लेम मीडियम रखे हैं। दो चम्मच ऑयल डाल दिए, ऑयल को गरम होने देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रख दिए। अभी आधा मसाला डाल के कुछ सेकेंड के लिए चला दिए। अब एक एक पीस उठाते जाएंगे फ्राई आलू का और पैन में डालते जाएंगे। बहुत आसानी से डालेंगे धीरे धीरे, जिससे कि ये टूटेगा नहीं, नहीं तो इस स्टेज पे टूटने फूटने का डर ज़्यादा बने रहता है। अब इस तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये कढ़ाई है, इस तरह से इसे हम टॉस नहीं कर पाएंगे, फ्राई पैन रहता है तो हम टॉस करके इसे बनाते हैं। फ्राई पैन नहीं है तो कोई भी बात नहीं है, कढ़ाई में भी बन जाएगा। जो मसाला बचा हुआ था आधा, इसे भी डाल दिए। और बहुत सावधानी से चम्मच ले लीजिए या काटा चम्मच ले लीजिए, एक एक पीस करके इसको पलटते जाइएगा। मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे। फ्राई पैन नहीं है तो सोचे कि बगैर फ्राई पैन का ये आलू टुक कैसे बनेगा, तो बगैर फ्राई पैन का भी आलू टुक बन सकता है। बहुत धीमे धीमे इसे हम पलट रहे हैं, नहीं तो ये टूटने लगेगा। अब बहुत अच्छे से देखिए, आसानी से ये पलटा गया है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, गैस को बंद कर देंगे। आलू टुक बन के रेडी हो गया है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से झटपट आलू टुक खाने के लिए रेडी हो गया है। तो सिंधी स्पेशल आलू टुक एक बार आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।